टेस्ट में बांग्लादेश का सफाया करने के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें T20 पर। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट श्रृंखला संपन्न हुई, जहां सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई में, वहीं आखिरी मुकाबला कानपुर में खेला गया। दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भारत ने बांग्लादेश को चारों खाने चित करते हुए सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। टेस्ट श्रृंखला के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज पर होंगी। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को, दूसरा 9 अक्टूबर को और तीसरा 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 श्रृंखला के ये सभी मैच शाम 7 बजे खेले जाएंगे। आखिरी बार दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप 2024 में भिड़ी थी, जहां भारत ने 50 रन से जीत दर्ज की थी। सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेटकीपर, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा विकेटकीपर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव, नजमुल हुसैन शांतो कप्तान, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, तौहिद हृदय, महमुदुल्ला, लिटन दास, जाकिर अली, मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब, रकीबुल हसन। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी तक 14 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इस दौरान 13 मुकाबलों में भारतीय टीम ने बाजी मारी है, वहीं एक मैच बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश के खिलाफ T20 में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। ऐसे में भारतीय टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए बांग्लादेश के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करना चाहेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ऐतिहासिक ग्राउंड में आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा।